ईरान के इसराइल पर हमले, अकवामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास, सेक्रेटरी जनरल यूएन एंटोनियो गुतेरेस के ईरानी हमले की मजम्मत, कहा मशरक़ वुस्ता में भड़कती आग तेजी से फैल रही है, मशरक़ वुस्ता में कशीदगी कम की जाए, फलस्तीन के दो रियासती हल का वक्त आ गया है, अमरीका का ईरानी पासदारा ने इनकलाब पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। सलामती काउंसिल इजलास में ईरान और इसराइल आमने सामने, ईरानी सफीर ने कहा इसराइल को जवाब देना नागुजीर था, इसराइल अब बर्दाश्त करे, इसराइल गजा और लिबनान में जंग बंद करे। सलामती काउंसिल इसराइल के जंगी जराइम को रुकवाए, इसराइली बंदूक की ईरान को मिसाइल हमलों की भारी कीमत चुकाने की धमकी, कहा ईरान को ऐसे नतीजे का सामना होगा जो इसके तसव्वुर से बाहर होंगे, सलामती काउंसिल ईरान के खिलाफ पाबंदियां आयद करे। इसराइल का लिबनान में ज़मीनी हमला नाकाम, सिहोनी फौज को बड़ा नुकसान, अल अदीसा में हिजबुल्ला ने 3 अफसरों समेत 8 इसराइली फौजी मार डाले, 20 से ज्यादा जख्मी, इसराइल के 3 टैंक भी तबाह, इसराइल का अपने फौजियों की हलाकत का एतराफ़, बयान में कहा मरने वालों में 3 कैप्टन भी शामिल हैं। हिजबुल्ला के मुताबिक इसराइली फौज हलाकतों के बाद लिबनान में पीछे हट गई है। पच्चीस अक्टूबर के बाद आइनी तरबीब में मुश्किलात होंगी, मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है, 25 अक्टूबर से पहले आइनी तरबीब कर लें तो मसला हल हो जाएगा, तरबीब बाद में की तो आमने सामने आने का खदशा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा आइनी अदालत के सरबराह जस्टिस फाइज ईसा हों या जस्टिस मंसूर 3 साल के लिए होंगे, एक शख्स के लिए तरबीब होती तो ताहया तायनाती लिखते, जस्टिस मंसूर अली शाह पर यकीन है, वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करते, बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल करना है तो सबूत लाएं, फिक्र न करें, सदारती मुआफी का इख्तियार इस वक्त हमारे पास है। खैबर पख्तूनख्वा में कौन सा तीर मार दिया जो पंजाब में घुस रहे हो, क्या खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की लड़ाई कराना चाहते हो, ऐसे अनासिर से सख्ती के साथ पेश आना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा से लोग इलाज के लिए पंजाब आते हैं, भेड़ बकरियों की तरह लोग पीछे चल पड़ते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कारकर्दगी का भी पूछें, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं जो कहता था मेरे गले में रस्सी डालकर वजीर आजम हाउस से निकालेगा वो आज जेल में है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, अल्लाह से माफी मांगो। हुकूमत की मौलाना फजलुर रहमान को राजी करने की कोशिशें जारी, सेनेटर इरफान सदीकी की मौलाना से मुलाकात, आइनी तरमीम पर मुशावरत, नवाज शरीफ का पयाम मौलाना फजलुर रहमान को पहुंचाया, इरफान सदीकी कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने तायद की कि आइनी अदालत होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर भी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का पहुंचे, मौलाना फजलुर रहमान से मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जाकिर नाइक के इस्लाम की तरवीज के लिए खिदमात काबिले सताइश है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मारूफ मजहबी स्कॉलर जाकिर नाइक से गुफ्तगू, कहा आपकी तकरीर और तहरीरें इस्लाम से आगाही का जरिया है, उम्मत मुसलिमा आप पर नाजा हैं, लेक्चर पुरमगज और तासीर से भरपूर होते हैं, आप इस्लाम का सही पैगाम लोगों तक पहुँचाकर फर्ज निभा रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुलाकात में कहा पाकिस्तान वाहिद मुल्क जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया, पाकिस्तान के अवाम का इस्लाम के हवाले से जज्बा बहुत गहरा है। डॉक्टर जाकिर नाइक कराची पहुंच गए, मुख्तलिफ मकामात पर लेक्चर्स देंगे।